हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चटोरी रजनी। और आज हम क्या करने वाले हैं, इतनी सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की है अमेज़ॉन से, और एक सरप्राइज़ जो मैंने ऑर्डर नहीं किया वो भी आया है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी आप लोग को ये दिखाने के लिए। चलिए पहला बॉक्स खोलते हैं। ये तो खाने का तेल है, येलो मस्टर्ड ऑयल है और कोल्ड प्रेस है। सो आप लोग बहुत बार मुझे तेल के बारे में पूछते हो कि मैं कौन सा तेल यूज़ करती हूँ खाने में। सो मैं यूज़ करती हूँ तिल का तेल, सफ़ेद तिल का तेल, काले तिल का तेल और मूंगफली का तेल और येलो मस्टर्ड एंड ब्लैक मस्टर्ड। ये चार पांच तेल तो हम यूज़ करते हैं एंड हम ये बाय करते हैं सारे जो कोल्ड प्रेस होते हैं। सो कोल्ड प्रेस क्या होता है, दो तरीके से तेल निकाला जाता है। एक जो यूजुअल तरीका है, पुराना तरीका है जो तेल का, वो होता है वुड प्रेस, यानी कि पत्थरों के बीच डाल के फिर ना उसे गाय से ऐसे देखा है मैंने, आप वीडियोस देखेंगे ना तो आप काफ़ी काफ़ी आपको देखेंगे कि पूरा बड़े बड़े पत्थर हैं उनमें वो ऐसे चलती है ना, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। सो उसमें नारियल डाल दो या तिल डाल दो और फिर उसको ना रस्सी से गाय से बांधा जाता है जो गोल 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 घूमती है और वो उस पत्थर को भी ऐसे घुमा घुमा के तेल निकालते हैं। कई जगहों पे मशीन से निकलता है लेकिन कोल्ड प्रेस से ही निकलता है। सो वुड प्रेस तो अच्छा होता ही है, कोल्ड प्रेस भी अच्छा होता है। और रेगुलर जो तेल होते हैं, जो कोल्ड प्रेस और वुड प्रेस नहीं होते, वो मशीन से निकलते हैं जिनमें आई थिंक केमिकल्स भी यूज़ होते हैं। जैसे मुझे ऑलिव ऑयल का तो पता है कि एक्स्ट्रा वर्जिन बेस्ट है। उसके बाद जितना भी तेल निकलता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐड करके निकाला जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो कोल्ड प्रेस होता है सबसे बेस्ट एंड कहीं पे भी इसमें यू नो गर्माहट का यूज़ नहीं होता है, तो आपका ऑयल शुद्ध होता है। और ये जब भी आप कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करते हैं ना तो झाग झाग होता है गर्म करने के बाद, तो डरना नहीं है, ये ऐसा ही होता है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ऑयल। ये पहली बार मैंने प्लास्टिक की बॉटल में ऑयल मंगवाया क्योंकि मुझे लगा कि कोल्ड प्रेस है और प्लास्टिक में सीधा गया तो इतना कोई हार्मफुल नहीं है, अनलेस गर्म चीज़ को आप प्लास्टिक में डालें, वरना मैं टिन वाले ही मंगाती हूँ और कांच की शीशी के ही ऑयल मंगाती हूँ। तो इस बार मैंने कोई नया ब्रांड मंगाया है देखने के लिए कि ये कैसा है। और ये कल बॉक्स आया था, एक सरप्राइज, आई वॉज शॉक्ड कि मैंने तो ऑर्डर किया नहीं है ना मैंने पेमेंट की है, क्या है। तो मैंने खोला और इसमें से निकला ये छोटा सा बच्चा बॉक्स, ये देखिए बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज था कल ये मेरे लिए। इसमें आया है एक रिचार्जेबल मिनी चॉपर, ये देखिए इस तरीके से है। इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत वीडियोस देखती हूँ, वो जो थाईलैंड के लोग हैं ना उनके वीडियोस के यू नो यू कैन बाय ऑनलाइन, थोड़ा सा आप इसमें गार्लिक डाल लो, लाल मिर्चे डाल लो, सॉरी कॉल आ गया था तो कट हो गया था। सो ये देखिए ये इस तरीके से अलग हो जाता है और इसके साथ एक चार्जिंग वायर भी आता है जो यहाँ लग जाएगा और आप कोई भी चार्जर में डाल के चार्ज कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे देख के मेरा तो मन बहुत चलता था, हाय कितना क्यूट है। पता है जब छोटी छोटी चीज़ें होती ना काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे मेरे पास एक छोटी सी इतनी सी मिक्सी है, सो नॉर्मल मिक्सी निकालो इतनी बड़ी, फिर वो जार निकालो, फिर उसे धो करो, आलस आता है। तब लगता है छोटी छोटी मिक्सी ना फटाफट किया फटाफट काम हो गया। सो उस चीज़ में ना ये मुझे सही लग रहा है कि गार्लिक जिंजर थोड़ा बहुत पिसने के लिए चला के देखा, मस्त पावरफुल है। सो ये मेरे हस्बैंड ने एक कॉन्टेस्ट में जीता था, स्लर्प के कॉन्टेस्ट में, और उसमें उन्हें ये मिला है। ओके वाओ वेरी नाइस, आई एम लाइक अमेजिंग, कॉन्टेस्ट उन्होंने जीता लेकिन मेरे काम की चीज़ मिली। इसे तो अभी रखते हैं साइड में। और एक पैकेज आया है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। MG
दिख तो रहा होगा आपको क्या है, पत्थर का सामान लगाया। ओखली ये खोले, एक मिनट, वजनदार है, कम से कम 1.5-2 किलो का होगा। तो ये ना मैं बहुत टाइम से देख तो रही थी ऑनलाइन, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कई बार फोटोज में से देख के समझ में नहीं आता है। वाह, वंडरफुल। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए काफी अच्छा डीप है। ये देखिए इसी के अंदर पूरा वो पत्थर आ गया है, कितना हो गया ऐसा। और ये बहुत अच्छे से कूटेगा, अमेजिंग। इसके मैंने दिए हैं 1800 रुपये, और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। हुआ ये था कि काफ़ी टाइम से मैं ये देख तो रही थी अमेज़ॉन पे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कितना बड़ा है छोटा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगा लो और इतना सा निकले और कोई काम का ना निकले। तो इंस्टाग्राम पे मैं एक दिन ऐसे ही टाइम पास कर रही थी, तो किसी की रील दिखी, उसमें उन्होंने ये यूज़ किया था। आई वाज लाइक वाओ, ऐसा है, मुझे नहीं पता था। पर अभी भी मुझे लग रहा है जो उसने यूज़ किया और मैंने यूज़ किया फ़र्क है। उसका थोड़ा फ्लैट था और ऐसा था लंबा, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बताऊँ मुझे कितना शौक है इन सब चीज़ों का। ये रहा एक, ये रहा दो, ये भी पत्थर का है जो मैं चेन्नई से लाई थी। ये जो आपने देखा था 10 नंबर का पहले वाला 1800 का, ये मैं लाई थी चेन्नई से, ये 200 रुपीज़ का है, काफ़ी वज़नदार है। और ये तो मैं मकराना से लाई थी, मार्बल सिटी है, मेरा ससुराल वहीं है, तो ये मैं वहीं से खरीद के लाई थी। ये मुझे कम पसंद है पर घर में चाहिए, इसलिए मैं ले आई थी। और अभी रिसेंटली जो मैं लेके आई हूँ, ये भी मार्बल का ही है, आई थिंक मार्बल या ग्रेनाइट क्या है मुझे नहीं पता। ये मैं आइकिया से लेके आई हूँ, ये डिस्काउंट के बाद मुझे 1300 या 1200 रुपये का ऐसे कुछ पड़ा, मुझे याद नहीं। और एक इतनी बड़ी पत्थर की ओखनी है मेरे पास, दैट कॉस्टेड समवेयर अराउंड 1800-2000 रुपये। इतनी बड़ी है, आपने वीडियोज़ में देखा हो, जिसपे लकड़ी का ऐसे कूटने वाला है। और ये मेरा फेवरेट, ये मुश्किल से 200 रुपये का है, इसमें आप कूट तो सकते हैं, पर मैं तो ये ना शो के लिए लाई थी कि जैसे सालसा वगैरह या कोई चटनी सर्व करनी हो किसी चीज़ के साथ, तो मैं इसे लगा के सर्व कर सकती हूँ। दिखाऊँ मैं अपना कलेक्शन आपको दोबारा, देखिए ये है आज जो आया है। वो कैसा लगा? ये रहा बच्चों वाला, 1, 2, 3, 4, 5। डरते डरते मंगाया मैंने कि हस्बैंड डांटेंगे, दिमाग खराब है तुम्हारा, किराए के घर में है, इतना सारा सामान इकट्ठे कर रही हो, एक जिंदगी है जी लो। कर लिया, बहुत दिनों से महीनों से इंतज़ार करके सोचते सोचते आज डिसाइड किया आज तो मंगा ही लेते हैं, क्यों मन में रखे। और बहुत ही क्यूट सा है वो। कैसा लगा, है ना अच्छा? थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए और देखने के लिए कि आज की मेरी शॉपिंग क्या थी। बाय बाय दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माई चैनल चटोरी रजनी। और आज हम क्या करने वाले हैं, इतनी सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की है अमेज़ॉन से, और एक सरप्राइज़ जो मैंने ऑर्डर नहीं किया वो भी आया है, एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी आप लोग को ये दिखाने के लिए। चलिए पहला बॉक्स खोलते हैं। ये तो खाने का तेल है, येलो मस्टर्ड ऑयल है और कोल्ड प्रेस है। सो आप लोग बहुत बार मुझे तेल के बारे में पूछते हो कि मैं कौन सा तेल यूज़ करती हूँ खाने में। सो मैं यूज़ करती हूँ तिल का तेल, सफ़ेद तिल का तेल, काले तिल का तेल और मूंगफली का तेल और येलो मस्टर्ड एंड ब्लैक मस्टर्ड।
ये चार पांच तेल तो हम यूज करते हैं एंड हम ये बाय करते हैं सारे जो कोल्ड प्रेस होते हैं। सो कोल्ड प्रेस क्या होता है? दो तरीके से तेल निकाला जाता है। एक जो यूजुअल तरीका है, पुराना तरीका है जो तेल का, वो होता है वुड प्रेस, यानी कि पत्थरों के बीच डाल के फिर है ना उसे गाय से ऐसे देखा है मैंने, आप वीडियोस देखेंगे ना तो आप काफी काफी आपको देखेंगे कि पूरा बड़े बड़े पत्थर हैं उनमें वो ऐसे चलती है ना, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, सो उसमें नारियल डाल दो या तिल डाल दो और फिर उसको ना रस्सी से गाय से बांधा जाता है जो गोल 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 घूमती है और वो उस पत्थर को भी ऐसे घुमा घुमा के तेल निकालते हैं। कई जगहों पे मशीन से निकलता है लेकिन कोल्ड प्रेस से ही निकलता है। वुड प्रेस तो अच्छा होता ही है, कोल्ड प्रेस भी अच्छा होता है, और रेगुलर जो तेल होते हैं, जो कोल्ड प्रेस और वुड प्रेस नहीं होते, वो मशीन से निकलते हैं जिनमें आई थिंक केमिकल्स भी यूज होते हैं। जैसे मुझे ऑलिव ऑयल का तो पता है कि एक्स्ट्रा वर्जिन बेस्ट है, उसके बाद जितना भी तेल निकलता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐड करके निकाला जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो कोल्ड प्रेस होता है सबसे बेस्ट एंड कहीं पे भी इसमें यू नो गर्माहट का यूज़ नहीं होता है तो आपका ऑयल शुद्ध होता है। और ये जब भी आप कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करते हैं ना तो झाग झाग होता है गर्म करने के बाद, तो डरना नहीं है, ये ऐसा ही होता है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ऑयल। ये पहली बार मैंने प्लास्टिक की बॉटल में ऑयल मंगवाया है क्योंकि मुझे लगा कि कोल्ड प्रेस है और प्लास्टिक में सीधा गया तो इतना कोई हार्मफुल नहीं है, अनलेस गर्म चीज़ को आप प्लास्टिक में डालें, वरना मैं टिन वाले ही मंगाती हूँ और कांच की शीशी के ही ऑयल मंगाती हूँ। तो इस बार मैंने कोई नया ब्रांड मंगाया है देखने के लिए कि ये कैसा है। और ये कल बॉक्स आया था एक सरप्राइज, आई वॉज शॉक्ड कि मैंने तो ऑर्डर किया नहीं है ना मैंने पेमेंट की है, क्या है? तो मैंने खोला और इसमें से निकला ये छोटा सा बच्चा बॉक्स, ये देखिए बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज था कल ये मेरे लिए। इसमें आया है एक रिचार्जेबल मिनी चॉपर, ये देखिए ये इस तरीके से है। इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत वीडियोस देखती हूँ, वो जो थाईलैंड के लोग हैं ना उनके वीडियोस के यू नो यू कैन बाय ऑनलाइन, थोड़ा सा आप इसमें गार्लिक डाल लो, लाल मिर्चे डाल लो, सॉरी कॉल आ गया था तो कट हो गया था। सो ये देखिए ये इस तरीके से अलग हो जाता है और इसके साथ एक चार्जिंग वायर भी आता है जो यहाँ लग जाएगा और आप कोई भी चार्जर में डाल के चार्ज कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे देख के मेरा तो मन बहुत चलता था, हाय कितना क्यूट है। पता है जब छोटी छोटी चीज़ें होती ना काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे मेरे पास एक छोटी सी इतनी सी मिक्सी है, सो नॉर्मल मिक्सी निकालो इतनी बड़ी, फिर वो जार निकालो, फिर उसे धो करो, आलस आता है। तब लगता है छोटी छोटी मिक्सी ना फटाफट किया फटाफट काम हो गया। तो उस चीज़ में ना ये मुझे सही लग रहा है कि गार्लिक जिंजर थोड़ा बहुत पिसने के लिए चला के देखाऊँ, मस्त पावरफुल है। सो ये मेरे हस्बैंड ने एक कॉन्टेस्ट में जीता था, स्लर्प के कॉन्टेस्ट में, और उसमें उन्हें ये मिला है। ओके वाव वेरी नाइस, आई एम लाइक अमेजिंग, कॉन्टेस्ट उन्होंने जीता लेकिन मेरे काम की चीज़ मिली। इसे तो अभी रखते हैं साइड में। और एक पैकेज आया है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दिख तो रहा होगा आपको क्या है, पत्थर का सामान मिला है। ओके ये खोले, एक मिनट, वजनदार है, कम से कम 1.5-2 किलो का होगा। तो ये ना मैं बहुत टाइम से देख तो रही थी ऑनलाइन पर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कई बार फोटोज में से देख के समझ में नहीं आता है। वाह वंडरफुल, ये देखिए एक सेकेंड,
ये देखिए काफी अच्छा डीप है, ये देखिए इसी के अंदर पूरा वो पत्थर आ गया है, कितना अब हो गया सर। और ये बहुत अच्छे से घुटेगा, अमेजिंग। इसके मैंने दिए हैं 1800 रुपये, और ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है। हुआ ये था कि काफ़ी टाइम से मैं ये देख तो रही थी अमेजोन पे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कितना बड़ा है छोटा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगा लो और इतना सा निकले और कोई काम का ना निकले। तो इंस्टाग्राम पे मैं एक दिन ऐसे ही टाइम पास कर रही थी तो किसी की रील दिखी, उसमें उन्होंने ये यूज़ किया था। आई वाज लाइक वाओ ऐसा है, मुझे नहीं पता था। पर अभी भी मुझे लग रहा है जो उसने यूज़ किया और मैंने यूज़ किया फ़र्क है, उसका थोड़ा फ्लैट था और ऐसा था लंबा। बट दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बताओ मुझे कितना शौक है इन सब चीजों का। ये रहा एक, ये रहा दो, ये भी पत्थर का है जो मैं चेन्नई से लाई थी। ये जो आपने देखा था 10 नंबर का पहले वाला 1800 का, ये मैं लाई थी चेन्नई से, ये 200 रुपीज का है, काफी वजनदार है। और ये तो मैं मकराना से लाई थी, मार्बल सिटी है, मेरा ससुराल वही है, तो ये मैं वहीं से खरीद के लाई थी। ये मुझे कम पसंद है पर घर में चाहिए इसलिए मैं ले आई थी। और अभी रिसेंटली जो मैं लेके आई हूँ, ये भी मार्बल का ही है, आई थिंक मार्बल या ग्रेनाइट, क्या है मुझे नहीं पता। ये मैं आइकिया से लेके आई हूँ, ये डिस्काउंट के बाद मुझे 1300 या 1200 रुपये का ऐसे कुछ पड़ा, मुझे याद नहीं। और एक इतनी बड़ी पत्थर की ओखनी है मेरे पास, दैट कॉस्टेड समवेयर अराउंड 1800-2000 रुपये। इतनी बड़ी है, आपने वीडियोस में देखा हो, जिसपे लकड़ी का ऐसे कूटने वाला है। और ये मेरा फेवरेट, ये मुश्किल से 200 रुपये का है, इसमें आप कूट तो सकते हैं, पर मैं तो ये ना शो के लिए लाई थी कि जैसे सालसा वगैरह या कोई चटनी सर्व करनी हो किसी चीज़ के साथ, तो मैं इसे लगा के सर्व कर सकती हूँ। दिखाऊँ मैं अब अपना आपका कलेक्शन आपको दोबारा, देखिए ये है आज जो आया है। वो कैसा लगा? ये रहा बच्चू वाला, 1 2 3 4 5। डरते डरते मंगाया मैंने कि हस्बैंड डांटेंगे, दिमाग खराब है तुम्हारा, किराए के घर में है, इतना सारा सामान इकट्ठे कर रही हो, एक जिंदगी है जी लो। कर लिया बहुत दिनों से, महीनों से इंतजार करके, सोचते सोचते आज डिसाइड किया आज तो मंगा ही लेते हैं, क्यों मन में रखे। और बहुत ही क्यूट सा है वो। कैसा लगा, है ना? अच्छा, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए और देखने के लिए कि आज की मेरी शॉपिंग क्या थी। बाय बाय दोस्तों।